नमस्कार दोस्तों, यंग गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यामितीय आकृति के बारे में, मतलब 3D फिगर्स के बारे में। ठीक है, दो प्रकार की आकृति होती हैं। एक होती है आपकी 2D फिगर्स होती है और दूसरा होती है 3D, टू डायमेंशनल और 3D। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो यही जान लीजिए। 2D फिगर्स में, मतलब जो 2D फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स होती हैं, उसमें लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई तो होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती। जबकि जो 3D फिगर्स होता है उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D, त्रिज्यामितीय आकृति बोलते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे हमने मान लीजिए रेक्टेंगल हमने लिया, रेक्टेंगल मतलब आयत लिया, और आयत ये कैसी फिगर से बताओ, 2D है। लेकिन इसी से बना क्यूबॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ, ये कैसा है, ये 3D फिगर होता है, 3D। ओके, इसी प्रकार मान लो हमने यहाँ पर लिया, ले लिया स्क्वायर, वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और वर्ग से ही बनता है आपका क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, मतलब घन, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं और तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, 3D फिगर। समझ में आई कि 2D फिगर किसे कहते हैं और 3D फिगर किसे कहते हैं। देखिए जो 2D फिगर होती है इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, जबकि जो 3D फिगर होते हैं उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं 3D फिगर। ठीक है, तो 3D फिगर में सबसे पहला फिगर हम लोग घन के बारे में जानेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए घन, घन में क्या होता है, ये भी एक 3D फिगर होती है, और 3D फिगर में भी ये कैसा होता है, प्रिज्म होता है, जिसका बेस और टॉप क्या होता है, एक ही तरह का होता है, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें देखिए 3D फिगर क्यों है, क्योंकि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। मतलब मान लीजिए कि लंबाई हमने मान लीजिए L मान लिया, ठीक है, चौड़ाई हमने कितना मान लिया, इसमें देखिए अगर हमने क्यूब बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं घन, ठीक है, घन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब, तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। लंबाई कितनी है, L है, इसका चौड़ाई भी कितना है, L है, और ऊंचाई भी कितना है, L है। तो इस प्रकार के बने फिगर्स को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। समझ में आ रही बात, कोई डाउट। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिएगा। अगर मैं इसमें फलक की बात करूं तो फलक मतलब मान लीजिए कोई आप डिब्बा सोच लीजिए, ठीक है, या वर्गाकार एक कोई घर सोच लीजिए, तो उसमें कितने दीवारें होंगे टोटल मिला के, ऊपर नीचे ऊपर अगल बगल, ठीक है, टोटल मिला के 6 फलक होते हैं, जिन दीवार जिसे हम दीवार बोलते हैं, एक्चुअली में क्या होते हैं, फलक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ये अगर मैं शो करा दूं आपको, तो एक नीचे वाला, ठीक है, 2, और एक पीछे वाला 3, एक आगे वाला 4, ठीक है, और ऊपर 5, और ये जो बाहर की तरफ है ये कितना हो गया, 6। तो टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, किसमें, घन में, क्यूब में। ठीक है, दूसरा चीज इसमें पूछ ले कि कॉर्नर कितने होते हैं, तो घन में कॉर्नर कितने होते हैं, मतलब अब उसी वर्गाकार घर को सोचिए आप, कितने कोने होंगे उस घर में, बताइए कितने कोने होते हैं घर में, बोलिए बोलिए, 8 कोने होते हैं, कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 कोने होते हैं इसमें, कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और एक चीज और लास्ट में, जिसको हम एज बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज, इसको एज बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये कुल मिला के एज कहते हैं किसे, पहले ये जान लीजिए, दो फलकों के बीच जो कॉमन लाइन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एज। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 12। तो हमने क्या क्या बताया, देखिए हमने बताया फलक या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेज, ठीक है, ये होता है आपका कितने, 6 फेज होते हैं। फिर दूसरा हमने क्या बताया, वर्टेक्स कॉर्नर बोल सकते हो, कॉर्नर कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8, और इसके एज कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 12, मतलब 12। क्लियर, फलक किसे कहते हैं, फेसेज किसे कहते हैं, हमने समझाया, दीवाले जितनी है मान लीजिए वर्गाकार घर है सोच रहे हैं जो आप, तो उसमें जो दीवाले हैं उनको फलक बोलते हैं, कॉर्नर कोने को बोलते हैं,
और एज हमने क्या बताया, जो दो फलकों के बीच जो कॉमन लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, जिनकी संख्या होती है 12। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? फिगर सिंपल समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें सबसे पहले घन के बैलून, घन का लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सारी चीजों के भी बारे में जानेंगे। तब तक आप एक बार देख लीजिए इसको सही से। अब देखिए जो 3D फिगर्स होती है इसमें भी दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। जो 3D फिगर्स होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, इसमें भी दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म, क्या बोलते हैं? प्रिज्म। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पिरामिड, क्या बोलते हैं? पिरामिड। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म और दूसरे क्या बोलते हैं? पिरामिड। ठीक है, दोनों 3D फिगर्स ही होते हैं लेकिन दोनों की आकृतियां जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए एक को हम प्रिज्म बोलते हैं, दूसरे को पिरामिड। अब किसको प्रिज्म बोलते हैं, किसको पिरामिड बोलते हैं, देखिएगा इसको भी समझ लीजिए, बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, देखिए जैसे आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर, तो बताइए सिलेंडर कैसी आकृति हुई? प्रिज्म। प्रिज्म की क्या क्वालिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये कहता है, देखिए कि जिसका बेस और टॉप, ठीक है, जिसका बेस और टॉप जैसे नीचे है वैसे ऊपर है। अब आकृति दूसरी थोड़ा सा गड़बड़ बन गई, ये मत कह दीजिएगा कि मतलब कि गड़बड़ कैसे बना दिया आप, लेकिन देखिए एक्चुअली में यही कहता है कि जिसका बेस और टॉप एक ही तरह का होता है, इस प्रकार के फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें चाहे सिलेंडर का उदाहरण ले लीजिए, या मान लीजिए हमने ये बना दिया, ठीक है, इसमें भी देखिए कैसा है, ये मान लीजिए आप क्यूबॉइडल बनाए घन, आप इसमें भी देखिए जैसा बेस है वैसा ही क्या है? टॉप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप एक चीज और देख लीजिए, पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड में क्या होता है, बेस किसी भी टाइप का हो ये मैटर नहीं करता, बेस आपका किस प्रकार का है ये वैल्यू नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसका टॉप हमेशा पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो प्रिज्म क्या कहता है कि बेस और टॉप दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जबकि पिरामिड में क्या कहता है, आप बेस किसी प्रकार का रखिए लेकिन टॉप हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इस फिगर को बना दिया, ठीक, जिसका बेस कैसा है बताइए, स्क्वायर में है लेकिन इसका टॉप कैसे है? पॉइंटेड है। ओके, तो बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आया होगा प्रिज्म किसे कहते हैं और पिरामिड किसे कहते हैं, कोई दिक्कत? अब हमें पिरामिड भी पढ़ने हैं, कुछ आकृतियां पिरामिड की भी पढ़नी है और कुछ आकृतियां हमें को प्रिज्म की भी पढ़नी है, तो दोनों का हम लोग एक पहले प्रिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद पिरामिड पढ़ेंगे। पिरामिड की एक एक आकृतियाँ और प्रिज्म की भी एक एक आकृतियों के बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे और जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में, किसके बारे में? घन के बारे में। ठीक है, तो इतना हमने आपको बता दिया। ठीक है, हमने क्या क्या जाना, हमने सबसे पहले जाना कि 3D फिगर किसे कहते हैं, 2D फिगर्स किसे कहते हैं, फिर 3D फिगर में भी हमने जाना दो टाइप के फिगर होते हैं, मतलब एक होता है आपका प्रिज्म, दूसरा होता है पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म में हमने पहला फिगर घन के बारे में भी केवल समझाया कि इसमें कितने फलक होते हैं, कितने एज होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं और संपूर्ण वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके विकर्ण किसे कौन सा होता है, कितना होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।